धीरे धीरे मत मार मोदी, वरना एक दिन तुझे भी मरना है। ऐसे बोल रहे हैं, हमको डर नहीं लग रहा। जो बीजेपी में चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, और जो विपक्ष में रह जाता है वो गद्दार हो जाता है। इस देश में जो आवाज उठाए, जो इन सरकारों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तान चला जाए। कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कहा था, और आज क्या कह रहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, एक एक करके सारे को बेच के मैं ही जाऊंगा। 400 रुपए का सिलेंडर पूरी बीजेपी सर पे रख के सड़कों पे मुजरा करती थी। एक वो गोरखपुर का सांसद है मूर्खानंद, और एक वो रिंकिया का पापा, ये दोनों नु कहते थे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। इस वक्त हम लोग लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद है, जहां किसानों की महापंचायत चल रही है। राकेश टिकैत जी के आह्वान पे देश भर के किसान यहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंचे हैं, और हमने यहां पे हुक्का देखा, और यहां पे हरेंद्र राव हमें मिले, उनसे बात करेंगे। उन्होंने बोला, जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि आप एक बार नाम लीजिए, लोग पहचान जाएंगे। बैठ जाओ, आपका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। ताऊ जी, मोदी जी ने अपने जो कानून थे वापस ले लिया, आपने इतना दबाव बनाया, उसके बाद फिर से आप आ गए, क्या बात है? देखिए, कानून ये माइक है, आप मुझे दे रहे, मैं मना कर रहा नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती दे रहे। 13 महीने तक हम सड़कों पर रहे, 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई। लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों पर गाड़ी चढ़ा के इनके मंत्री के बेटे ने, और उसकी हत्या कर दी किसानों की, और आज तुमने वे वापस ले लिए। किसान को क्या मिला? MSP पे गारंटी के कानून की कमेटी बनाने के लिए आपने हमें लिखित में दिया। 52,000 उस आंदोलन के दौरान हम पे मुकदमे लगे, वो वापस होने का आपने लिखित। 52,000 मुकदमे पूरे भारत में, 52,000 मुकदमे थे, और 750 किसानों की शहादत हुई थी उन्हें कंपनसेशन का, आपने हमें लिखित में दिया भारत सरकार ने, और आज आप नाट गए उससे, वादा खिलाफी। आपने कहा बिजली अमेंडमेंट बिल हम नहीं लाएंगे, आप संसद में ले आए, आप पशुधन पे ले आए, आप दूध पे ले आए, आप सीड बिल ला रहे हो। क्या मारना है? मारना है तो एक बार गोला फेंक दो, अब यहाँ गोला फेंकवा दे सारे मर जाएंगे। धीरे धीरे मत मार मोदी, वरना एक दिन तुझे भी मरना है। अब ऐसे बोल रहे हैं, हमको डर नहीं लग रहा है? अरे जो डर गया समझो मर गया, हम डरे उससे। वो तो कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए, हम किसानों के हित के लिए कानून लाए थे, हम समझा नहीं पाए उन्हें, अपने किसान भाइयों को, उन्होंने ये कहा। तो जब मैंने अपना बच्चा स्कूल में भेजा और मास्टर उसे पढ़ा नहीं पाया, तो गलती मास्टर की है, बेवकूफ मास्टर है बच्चा नहीं। तो कानून ये नहीं लाए, समझा पाया, इसका मतलब कानून खराब थे, तभी तो नहीं समझा पाया। अच्छे होते तो बुरा लग रहा था, मैं तुझे 100 रुपये दूँ अभी रख लेगा, और मैं तुझे चूरन का नोट दूँ तू रख लेगा, नहीं रखेगा ना। अच्छा, अब मतलब रास्ता कैसे निकलेगा? वो कह रहे हैं कि हम समझा नहीं पाए, आप कह रहे हैं कि हम अड़े हुए हैं, हम तो अभी धरना कर देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, रास्ता कैसे निकलेगा? अच्छा, सुधार कैसे होगा? एक चीज बताओ, ये किसान है, गन्ना बेल्ट का भी किसान है, ये किसान अपनी फसल बेचने जाता है, वो उधार में बिकती है। मोदी ने कहा 14 दिन में गन्ने का पेमेंट दूंगा, नहीं दिया, पिछले साल का पेमेंट आया नहीं, और नए साल का भाव बताया नहीं, गन्ना जा रहा। क्या देश का कोई सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति ऐसा है जिसके एक महीने की तनख्वाह बकाया हो? है, जब उनकी बकाया नहीं है तो हमारा बकाया क्यों? ये लड़ाई है। दूसरी चीज, इस देश के अंदर, देश नहीं दुनिया में, सुइज बनाने से लेके और हवाई जहाज बनाने तक कीमत कंपनी अपने माल की रखती है। ये देश का किसान ही इतना भोला है जिसके माल की कीमत सरकार रखती है और वो रेट देती नहीं। हमने क्या कहा, कीमत तूने रखी, उस कीमत को तू गारंटी का कानून कर दे कि इससे कम पे नहीं बिकेगी, कोई खरीदेगा तो उसे जेल होगी। हमने क्या बुरा कह दिया? इसने कहा लाल किले पे खड़ा होके,
2017 में, मैं कसम खाता हूँ भाइयों बहनों, मैं सौगंध लेता हूँ कि किसान की आय 5 साल में दुगनी कर दूंगा। 2022 गया, नहीं हुई। मैं सौगंध खाता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि भारत के हर नागरिक के सर पर छत होगी, और छत भी कांग्रेस वाली नहीं होगी, पक्की छत होगी। उसमें नल होगा, नल में जल होगा, बिजली का कनेक्शन होगा, एलईडी बल्ब होगा, शौचालय होगा। पर ये नहीं बताया हिंदुस्तान में होगा या अमेरिका में होगा। चले गए 5 साल है, 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा। अब बात क्यों नहीं करता भाई, अब उस पर बात करता है कहीं? नहीं बोल सकता। बहुत हुई महंगाई की बार मार, अब की बार महंगाई कहाँ है? 400 रुपए का सिलेंडर पूरी बीजेपी सर पे रख के सड़कों पे मुजरा करती थी, आज 1100 रुपए का सिलेंडर है, बोलती नहीं। आपने देखा होगा तुलसी कब बरगद बन गई, नहीं पता। अब उनके मुंह में दही जम गई। एक वो गोरखपुर का सांसद है मूर्खानंद, अच्छा, और एक वो रिंकिया का पापा, ये दोनों नू कहते थे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। वो तो बोला रहा था जिसके 4 हैं, और रिंकिया का पापा 51 साल में तीसरे का बालक का बाप बनने वाला। तो जब ये अनपढ़ मूर्ख सांसद बनेंगे, इस देश का नाश होगा। भारत के मोदी ने कहा था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कहा था। और आज क्या कह रहा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, एक एक करके सारे को बेच के मैं ही जाऊंगा। लेकिन हर बार बीजेपी चुनाव जीत लेती है, जनता उनको जिता के पहुंचा रही है, लगातार समर्थन मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जब गुलाम संस्थान हो जाएंगे भारत के, तो ऐसे ही होगा। आपने देखा 6 महीने से चुनाव आयुक्त की पद खाली पड़ा था, पता चला मोदी को 18 तारीख में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई है, अपने चहेते को 17 तारीख को वीआरएस दिलवाया, 17 को वीआरएस लिया, 18 को उसके सारे वो करके प्रक्रिया पूरी करके 18 तारीख को चुनाव आयुक्त बना दिया। हुआ 6 महीने से कुछ नहीं हुआ, एक दिन में सारे काम कर दिए। पता था चुनाव आयोग इस पर कुछ ना वो सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, उससे पहले बना दिया। सीबीईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, और अब तो लगे न्यायालय भी। हमने देखा कि आज निर्णय देता है और 2 महीने बाद राज्यसभा का सांसद बनता है, चीफ जस्टिस। क्या कारण है? कुछ तो घपला है देश में। जो बीजेपी में चला जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, और जो विपक्ष में रह जाता है वो गद्दार हो जाता है। इस देश में जो आवाज उठाए, जो इन सरकारों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही है, वो पाकिस्तान चला जाए, और बीजेपी में चला जाए तो वो राष्ट्रभक्त हो जाए। गद्दारों के साथ जाए तो राष्ट्रभक्त, और राष्ट्रभक्तों के साथ रहे तो गद्दार। ये इन्होंने बना रखा। अब आगे का क्या रास्ता है, क्या रणनीति है? आंदोलन, इस देश में आंदोलन मजबूत रहेगा तो सरकारें डरेंगी, और अगर आंदोलन कमजोर पड़ गया तो ये देश बिकेगा, ये देश गुलाम होगा। जिस देश में शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि राज अनपढ़ों पे और गरीबों पे किया जाता है, पढ़ा लिखा सत्ता से सवाल करता है, ये डरते हैं। लेकिन चुनाव तो राजनीतिक दल ही लड़ेंगे ना, किसान नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो एकजुट नहीं हो पाते हैं, बिखराव हो जाता है, उनको साथ कैसे लाएंगे? आप एक चीज बताओ, आपके घर में खाना बनता है, तवे पर रोटी क्यों पलटते हो? क्यों पलटते हो? जल ना जाए। जल ना जाए, जब तुम्हें रोटी का इतना ख्याल है कि रोटी ना जल जाए, तो देश को क्यों जला रहे हो? बदल दो ना। हरिंदर राव ने हमको बताया, इतने सारे इन्होंने पॉइंट गिना दिए, और अंत में यहीं पे आके लगा कि जिस तरह से रोटी को समय पलटना जरूरी है,
इनका मानना है कि सरकार को भी पलट दिया जाएगा और आंदोलन ही उसका रास्ता होगा।